ताकि हम भी अपनी आवाज़ को आगे बुलंद कर सकें कि हमारी एक ही जेन्युइन डिमांड है जिसकी तरफ आप गौर नहीं कर रहे हैं, और वो डिमांड है सिर्फ 7 साल का प्रोविजन पीरियड 5 साल में हो जाए। जैसा कि आपने पॉलिसी में Never give! Never give! Never give!
पाकिस्तान पाकिस्तान लेबर कैल की एक डिमांड पाकिस्तान पाकिस्तान फुल मोड जस्टिस 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 जस्टिस फॉर लेबर कैल जस्टिस फॉर लेबर कैल 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 लेबर कैल Come on!
लेकिन 7 दिन क्या, आज 7 महीने निकल गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है। इसके बाद आज हम 40 डेज से अभी रोड पे बैठे हुए हैं। रेना सर हमें आश्वासन देता कि आपका काम हो जाएगा। अभी चीफ सचिव से मिले, चीफ सचिव सर के बाद कहा कि आपके पास 5 दिन में रिटर्न आ जाएगा। 5 दिन क्या, आज 10 दिन हो गए। अब हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। अब हम तभी हम पीछे हटेंगे या हम अपनी जान देंगे या हम अपना ऑर्डर लेके गए तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखो हमारा टीचर, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये टीचर क्या हाल है। और हम आज अपनी जान देंगे, सब कुछ एक दूसरे दरबार जान देगा, लेकिन अपना अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बार आज यहाँ पे उसके बाद हम रोड पे आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी एजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। एक बार आज देखिए सर, आज 40 दिन हो गए हमें बैठे हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमारे पास कोई आया नहीं है। एक मुलाकात हुई है हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, यूटी अध्यक्ष जो हैं अरविंदर राणा जी बीजेपी के, वो हमारे साथ गए थे, तो अच्छे से बातचीत हुई थी वहाँ पे। लेकिन हमें जो डिमांड कर रहे हैं बार बार, क्योंकि उस मुलाकात को भी आज भी एक वीक हो गया है, तो हमने यही था कि हमें कोई एक छोटा सा रिटर्न दे दें आप, जो हमारी डिमांड है 7 साल से उसको 5 साल कर दें। आज हम ट्राई कर रहे हैं वहाँ जाने की कि हम लोगों का कसूर क्या है। जो ये टीचर्स हैं रैबरे खेल पिछले 40 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनका कसूर क्या है जिन्होंने 26 का इतना बड़ा नेशनल फेस्टिवल भी अपने स्कूल में नहीं मना पाए। अपने वेन्यू पे यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे इन्होंने, क्योंकि ये देशभक्त लोग हैं, वहाँ पे इन्होंने इतनी धूमधाम से 26 का फेस्टिवल बनाया जैन का। तो आज हम जाएंगे, सिंगल लाइन में जाने की ट्राई कर रहे हैं हम। यहाँ से अभी बाहर निकल के हम पीसफुली जाएंगे सिंगल लाइन में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया पर्सन को, सभी आप हमें कवर करें प्लीज़। आप देख लेंगे, हम कोई वायलेशन नहीं करेंगे, सिंपल लाइन में जाएंगे। मैं जेके पुलिस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जाने दिया जाए। हम विराजमान जम्मू प्रोविंस, 22 दिसंबर को हमने डेपाम साहब को 1 महीने का टाइम इसलिए दिया था कि हम चाहते थे कि हम टकराव की तरफ ना जाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टकराव ही चाहती है और टकराव से ही पॉलिसी देती है। म्यूनसिपैलिटी ने बंद किया तो उनको रेगुलर पॉलिसी मिली, उससे पहले पिछले साल टीटीडी ने अगर 3 दिन सिस्टम बंद किया तो उनको पॉलिसी मिली। हमारा कसूर क्या है, हमारे तो एसआरओ बने पड़े, इन लोगों ने आके होल्ड कर दिए और बदमजूरी को जिंदा रखना चाहते हैं। हम बदमजूरी नहीं करेंगे, हमें रखना है तो रेगुलाइज करो, नहीं तो हम टर्नमेंट कर दो, हमारा पेंडिंग दे दो। 550 करोड़ दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि सरकार ने एक गरीब लेबर का देना है 550 करोड़, एक रकम होती है, वो भी बीजेपी के बड़े बड़े लोग लीडर ये कहते हैं कि हम जम्मू से भेदभाव खत्म करेंगे। इनके टाइम का है वो 72 महीने का पेंडिंग, मार्च 2015 के बाद लगातार वो पेंडिंग बढ़ता गया। हमारा कसूर क्या है, हम ये पूछेंगे, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या गलती की है कि कोविड में आपका काम कर रहे हैं, बर्फ में आपका काम कर रहे हैं, हर अच्छे बुरे में सरकार का साथ दे रहे हैं, और जब हमारी बारी आती है तो फिर हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। अब लॉलीपॉप नहीं चूसेंगे, या तो सरकार हमें जहर दे दे सबको, मार दे सबको, सरकार भी त्रासदी हो जाएगी, लेकिन बगैर पॉलिसी वापसी नहीं। मेरा नाम राजा शफीक है। हम 40 दिनों से रोड पे बैठे हैं कपूरा नगर में, अलग अलग वेन्यू पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए ये जो रैबरे के टीचर आप देख रहे हैं ये जस्टिस की पुकार कर रहे हैं। जस्टिस क्या है हमारा, जो हम 4 सालों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है 7 साल का, एक रैबर एक रैबर स्कीम है जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा लॉन्ग सबसे लंबा जो है प्रोबेशन पीरियड वो रैबर स्कीम है। हम डिमांड कर रहे थे 4 सालों से गवर्नमेंट को कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल किया जाए। हमें कुछ 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला मेमो के तौर पर, जब हम डिमांड कर रहे थे उन्होंने उस डिमांड को नहीं सुना, बल्कि हमें दबाने की कोशिश की। उन्होंने एक मेमो निकाला जिसमें हमारी पोस्टें फ्रीज रखी थी कैबिनेट में, उनको डिफ्रीज करना चाहते थे। वो ऑर्डर हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है सेक्रेटरी की तरफ निकलने का, वो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी बंदा हमारे बीच में बात करने नहीं आया। अफसोस बात ये है, हैरानगी होती है, जम्मू कश्मीर में कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर एक एम्प्लाइज के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। तो हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे एलजी गवर्नमेंट से कि हमारी जो डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए। ये प्रोटेस्ट तब बंद होगा जब तक आप रिटर्न नहीं देंगे। वर्बली चीजों में हम नहीं आएंगे। एलजी सर ने भी ट्वीट किया था 7 महीने पहले कि आपका मसला हल किया जाएगा, मगर वो मसला आज तक हल नहीं किया गया। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे मसले को जल्दी से जल्दी हल करें।
देखिए हमने 22 दिसंबर को जब डिपकॉम ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था तो डिपकॉम जम्मू ने हमें एक महीने का समय दिया था, एक महीने के अंदर अंदर डेली वेजर का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन आज एक महीना 6 दिन हो गए, आज तक हमारे डेली वेजर का एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। हमने तब ही बोल दिया था कि 26 जनवरी की वजह से हम लेट कर रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को हम एक बार फिर सड़कों पे उतरेंगे। आज अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा है तो इसके लिए एलजी प्रशासन और हमारे डिपकॉम जम्मू भी रिस्पांसिबल है, क्योंकि अगर वो समय रहते हमारे मसलों का हल कर देते, हम सड़कों पे ना उतरते, आज जनता परेशान ना होती। अगर सरकार जितना हमारे मुद्दों को लिंगरान करेगी, ये बार बार यही हालात होंगे, बार बार सड़कें जाम होंगी। सरकार अगर इन चीजों से बचना चाहती है तो उसका एक ही सलूशन है और वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। उसके बिना डेली वेजर किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।